दर्शन विक्रम, मेरा सवाल। किसी भालापुर राज्य में एक महान महाराजा रहा करते थे। उनके शासन में राज्य की प्रजा खुशहाली का जीवन जी रही थी। महाराजा के अच्छे कार्यों की वजह से पड़ोसी राज्य के कई दुश्मन महाराजा उन्हें मारने का षड्यंत्र रचते थे। महाराजा के महल में एक मंत्री था जो उनकी परछाई की तरह उनके साथ रहता था। एक दिन भालापुर राज्य के जंगल में कोई महान स्वामी जी आए जो लोगों की समस्या के निवारण के साथ साथ लोगों का भविष्य भी बताया करते थे। जब यह बात राज्य में फैली कि स्वामी का बताया गया भविष्य हमेशा सच होता है, तो आसपास के राज्य के लोग भी स्वामी जी से अपना भविष्य जानने के लिए आने लगे। राज्य की प्रजा भ्रमित होने लगी क्योंकि लोग अपने काम पर ध्यान न देकर स्वामी द्वारा बताए भविष्य पर आश्रित होने लगे। स्वामी जी कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं, इसका पता लगाने मंत्री और कुछ सिपाही उनके पास जाते हैं। मंत्री कहता है, आप जो कोई भी हैं, आपके कारण राज्य के लोग भ्रमित हो रहे हैं, आप जल्द से जल्द इस राज्य से चले जाएं। स्वामी जी कहते हैं, दो दिन बाद आप और आपके महाराजा दूसरे देश समुद्र के रास्ते जाएंगे। उस सफर में महाराजा की नाव डूबने लगेगी और वह सफर आपका अंतिम सफर होगा। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, आप रातों रात इस राज्य को छोड़कर चले जाएं। मंत्री के कहे अनुसार स्वामी जी आधी रात को राज्य से चले जाते हैं। अगले ही दिन महाराजा मंत्री से कहते हैं, हमें पड़ोसी देश से न्योता आया है, कल हम सभी समुद्र के रास्ते जाएंगे। यह सुनकर मंत्री घबरा जाता है और रात भर चिंतित रहता है। अगले दिन सुबह सभी समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। मंत्री देरी से आता है। महाराजा कहते हैं, आओ इस नाव में बैठ जाओ। मंत्री मना करते हुए कहता है, आप कष्ट ना करें, मैं दूसरी नाव में सवार हो जाऊंगा। महाराजा के बार बार आग्रह करने पर भी मंत्री जब नाव में नहीं बैठता तो महाराजा को अचंभा होता है। फिर उनकी नाव आगे निकल पड़ती है। मंत्री फिर दूसरी नाव में सवार हो जाता है। महाराजा की ऐसी कुल तीन नाव सफर के लिए निकलती हैं। एक पहर बीतने के बाद महाराजा की नाव बीच समुद्र में डूबने लगती है। सिपाही महाराजा को मंत्री की नाव में बैठा देते हैं। महाराजा के नाव में बैठने पर मंत्री को तो सांप सूंघ जाता है और सारे रास्ते स्वामी जी की भविष्यवाणी को याद करते हुए भयभीत होता रहता है। वे सभी पड़ोसी देश के महाराजा से मिलने के बाद सुरक्षित अपने राज्य भालापुर लौट आते हैं। अगले ही दिन महाराजा उस मंत्री को मृत्यु की सजा सुना देते हैं। तो बता विक्रम, महाराजा ने अपने मंत्री को मृत्यु की सजा क्यों सुनाई और मंत्री की मृत्यु का जिम्मेदार कौन था? तो सुन बेताल, महाराजा को मारने का षड्यंत्र पड़ोसी राज्य के दुश्मन महाराजा कर रहे थे। ऐसे में केवल उन्हीं की नाव डूबने पर और मंत्री के उसमें ना बैठने पर महाराजा को विश्वास हो गया कि इसमें जरूर मंत्री का हाथ है, इसलिए वह नाव में साथ नहीं बैठा। और मंत्री की मृत्यु का जिम्मेदार ना ही महाराजा थे ना ही वे स्वामी जी, उसकी मृत्यु का जिम्मेदार वह स्वयं खुद था। क्योंकि किसी की बात सच हो जाने पर भी हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। मंत्री का कर्तव्य था महाराजा के प्राणों की रक्षा करना। वह चाहता तो महाराजा को सारी बात बता सकता था, लेकिन उसने अपने प्राणों की सोचा। मंत्री को वर्तमान में अपने कर्म करते रहना चाहिए था। उस स्वामी की बातों में ना आकर भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि भाग्य को नहीं बदला जा सकता। सही जवाब विक्रम, लेकिन तू बोला मैं चला।